सोयाबीन में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं सोयाबीन ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड बुधवार को तोड़ दिए। बुधवार को सोयाबीन अब तक के सबसे ऊंचे दाम यानी 6700 रुपए प्रति क्विंटल पर छलांग लगा गया। इससे मध्य प्रदेश मंडी में पहुंचे किसानों के चेहरे खिल उठे। उधर कई किसानों को इस बात का मलाल भी है कि उन्होंने समय से पहले सोयाबीन बेच दी। वहीं मध्य प्रदेश की मंडियों में बुधवार को सोयाबीन की आवक सहित भाव भी बेहतर देखने को मिले। जानकारों की माने तो भाव लगातार बढ़ने के पीछे सोयाबीन की लगातार मांग बनी रहना है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके भाव में और भी बढ़ोतरी की संभावनाएं बन सकती हैं। इस सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है जब भाव इतने अधिक पहुंचे हों। इसके पहले पिछले साल ऑफ सीजन में सोयाबीन 11,000 रुपए तक बिकी थी, लेकिन सीजन में इतने अधिक भाव पहली बार ही किसानों को मिले हैं। बताया जा रहा है कि सोयाबीन वर्तमान में मंडी में लाई जा रही है, वह सीधे खेत से नहीं बल्कि स्टॉक की है। दरअसल कई बड़े काश्तकारों ने अपने पास बेहतर दाम की उम्मीद से सोयाबीन रख ली थी, जिसे बेहतर भाव मिलने पर अब बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोयाबीन के बड़े प्लांट्स पर इन दिनों सोयाबीन की जबरदस्त डिमांड निकलती दिखाई दी है। इसके चलते बेहतर क्वालिटी का सोयाबीन उच्च दाम पर बिक रहा है। राजगढ़ का अधिकांश सोयाबीन उज्जैन स्थित प्लांट के साथ ही अन्य प्रदेशों को भी भिजवाया जा रहा है। वहीं शनिवार से लेकर सोमवार तक अवकाश के बाद मंडी जब मंगलवार को खुली थी, तब सोयाबीन के भाव 6499 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज हुए थे। वहीं बुधवार को एक बार फिर मंडी में सोयाबीन की आवक देखने को मिली और अधिकतम भाव 6700 रुपए तक जा पहुंचा। इससे पहले अधिकतम भाव 9 और 11 नवंबर को 5799 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया था, यानी अब तक का ये सबसे उच्चतम स्तर देखने को मिला है। ऐसे में किसानों को उम्मीद जगी है कि सोयाबीन की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का दौर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।